फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि फिजिकल चेंजेस जो हैं क्या होती हैं और केमिकल चेंजेस जो हैं ये क्या होती हैं। दो तरह की चेंजेस के बारे में इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। प्रतिदिन हम लोग देखते हैं एवरी डे प्रतिदिन हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं मेनी चेंजेस देखते हैं बहुत तरह के चेंजेस देखते हैं। कहाँ देखते हैं योर सराउंडिंग हम अपने आस पास में देखते हैं। कह रहा है कि दीज चेंजेस मे इन्वॉल्व वन और मोर सबस्टांसेस। ये जो चेंजेस हो सकती हैं इसमें एक सबस्टांस वन और मोर सबस्टांस इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लें, फॉर एग्जाम्पल योर मदर हमारी माता जो हैं मे आस्क यू टू डिसॉल्व। क्या कहती हैं कि डिसॉल्व करो, घोलो। क्या घोलो? शुगर को घोलो। किस में घोलो? तो इन वाटर में। टू मेक कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए बोलती हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन, जब शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हैं इज अ चेंज। ये भी एक चेंज है, शुगर का सॉल्यूशन जो है हम लोग बना रहे हैं ये भी एक चेंज है। सिमिलरली इसी तरह से सेटिंग कर्ड, ये जो दही बनता है किससे बनता है? फ्रॉम मिल्क से बनता है। ये जो है ये भी एक चेंज है, इज अ चेंज, ये एक चेंज है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है। तो इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि समटाइम्स मिल्क बिकम सॉर, ये खट्टा हो जाता है। मिल्क क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। करा कि सॉरिंग, ये खट्टा होना, सॉरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज, ये भी एक चेंज है। करा कि स्ट्रेच रबर, रबर को खींचते हैं रबर बैंड को, ऑल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज, ये ऑल्सो ये चेंज है। करा है कि मेक ए लिस्ट, हमें एक लिस्ट बनाना है। क्या चीज़ का? 10 चेंजेस, 10 तरह के चेंजेस का लिस्ट बनाना है। यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू, जो हम लोगों ने देखा है महसूस करते हैं, तो 10 लिस्ट बनाना है, 10 चीज़ों का लिस्ट हम लोग को बनाना है। करा कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में बता रहा है कि इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म, हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? सम एक्टिविटीज़ करेंगे, हम लोग सम एक्टिविटीज़ करेंगे। और स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस, ये जो चेंजेस हो रहे हैं उसके नेचर को हम लोग देखेंगे कि ये चेंज जो हैं किस तरह की ये चेंजेस हैं, इसके नेचर को हम लोग देखेंगे। कह रहा है आगे यहाँ पे कि ब्रॉडली मुख्यतः जो है दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, दो तरह की चेंजेस होती हैं। पहला जो है ये फिजिकल चेंज होती है और दूसरा जो होता है केमिकल चेंजेस होती हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि चेंजेस दो तरह की होती हैं, एक और दो। पहला जो है ये फिजिकल चेंजेस हैं और दूसरा जो है ये केमिकल चेंजेस हैं। तो दो तरह की चेंजेस हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि ये पेपर शीट है, ये 6.1 जो है ये पेपर शीट यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बारे में हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं। कह रहा है फिजिकल चेंज में क्या कर रहा है यहाँ पे 6.1 हम लोग देख रहे हैं। ये टॉपिक फिजिकल चेंज में है, एक्टिविटी करने के लिए ये कर रहा है 6.1। क्या एक्टिविटी करने के लिए कर रहा है? कर रहा है कि कट ए पीस ऑफ पेपर, पेपर को हम लोग को कट करना है इन 4 स्क्वायर पीसेस, 4 स्क्वायर पीसेस में कट करना है। कर रहा है कि कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इंटू 4 स्क्वायर पीसेस। कह रहा है कि एक पेपर है, ये पेपर है, इसको 4 भागों में ये ऐसे कट लेना है और ये इसको फिर एक भाग को 4 भागों में ऐसे काट लेना है। कह रहा है ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे रखना है हम लोग को, ऑन द फ्लोर और या टेबल पे। कह रहा है कि रखना है ये टेबल या ज़मीन पे रखना है। क्यों रखना है? सो दैट, क्यों रखना है? सो दैट
The pieces acquired the shape of the original piece of paper. ये जो है ना ओरिजिनल जैसा ये दिखे इसलिए सबको सटा के रखना है. फिगर 6.1 में ये दिखाया हुआ है. फिगर 6.1 जो है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं. ये देखिए ये 6.1 फिगर है. ये फिगर हम लोग देख रहे हैं. ये फिगर 6.1 है. ये पेपर पीसेस हैं. ये एक भाग दो भाग तीन भाग चार भागों में काटा और ये एक भाग को फिर हम लोगों ने एक दो तीन चार भागों में ये काट लिया. तो ये यहाँ पे ये बता रहा है 6.1 एक्टिविटी बता रहा है. कह रहा है कि ऑब्वियसली यहाँ पे बता रहा है ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन. ये बता रहा है कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस बट इज देर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर. क्या ये प्रॉपर्टी के पेपर में चेंज हुआ है? हम लोग जोड़ तो नहीं सकते हैं लेकिन क्या इसकी प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है? दूसरा ये हम लोग एक्टिविटी देख रहे हैं. ये एक्टिविटी कौन सा है? ये एक्टिविटी है 6.2 एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में क्या करना है हम लोग देखते हैं. एक्टिविटी 6.2 में कह रहा है कि कलेक्ट द चॉक डिसॉल्व लाइंग ऑन द फ्लोर. चॉक जो नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ है. कहाँ गिरा हुआ है? ज़मीन पे, फ्लोर पे जो गिरा हुआ है इसको हम लोग को लेना है. नियर द ब्लैक बोर्ड के पास है. कहाँ पे? इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में. कह रहा है कि और या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? क्रश, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं. क्रश से स्मॉल पीस ऑफ चॉक, चॉक को लेके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं. इनटू डस्ट, उसको डस्ट बनाते हैं. कह रहा है कि एड ए लिटिल वाटर, हम लोग इसमें पानी डालते हैं. टू द डस्ट टू मेक ए पेस्ट, उसको पेस्ट हम लोग बनाते हैं. कह रहा है कि रोल इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चॉक, इसको फिर चॉक जैसा इसको रोल कर लेना है. लेट इट ड्राई, उसके बाद क्या करते हैं? लेट इट ड्राई, इसको सूखने देते हैं. कह रहा है कि डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट, क्या आपको चॉक मिला डस्ट से? फिर ये कह रहा है कि एक्टिविटी 6.3, ये यहाँ पे एक्टिविटी 6.3 के बारे में बता रहा है. कह रहा है कि टेक सम ऑफ आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर. कह रहा है कि कुछ आप जो है लीजिए. क्या लीजिए? आइस लीजिए. कहाँ? आइस इन ए ग्लास में लीजिए या तो फिर आप प्लास्टिक का टम्बलर में ले लीजिए, गमले वगैरह में. कह रहा है कि मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाई प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन. कह रहा है कि इसको सन में हम लोग रख देंगे ए स्मॉल पीस ऑफ आइस को. कह रहा है कि यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस और वाटर, अब आपको क्या मिलेगा? आइस भी उसमें रहेगा और वाटर भी रहेगा. कह रहा है कि नाउ प्लेस द टम्बलर इन द फ्रीजिंग मिक्सचर. कह रहा है कि इसको जो है फ्रीजिंग मिक्सचर में रखना है. कहाँ रखना है? फ्रीजिंग मिक्सचर में रखना है. आइस प्लस कॉमन सॉल्ट थोड़ा सा उसमें डाल देना है. कह रहा है कि डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, क्या ये फिर से जो है वाटर फ्रिज में डाल दे रहे हैं तो आइस में ये बदल जा रहा है? तो इस तरह से दो तीन एक्सपेरिमेंट ये जो है हम लोगों ने देखा. अब चौथा हम लोग देख रहे हैं 6.4 देख रहे हैं. ये 6.4 है. ये 6.4 में क्या बता रहा है थोड़ा इसको देखने की कोशिश करते हैं. 6.4 में कह रहा है कि बॉयल करना है. ये बॉयल करना है. क्या बॉयल करना है? सम वाटर, थोड़ा सा पानी ले लेंगे एक बर्तन में, कंटेनर में. कह रहा है कि डू यू सी द स्टीम, जो वाष्प एराइज हो रहा है, एराइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर. कह रहा है कि पानी को जब हम लोग गर्म करेंगे तो उसमें से क्या निकल रहा है?
इसमें स्टीम निकल रहा है, वाष्प निकल रहा है। कह रहा है कि होल्ड ए इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। कह रहा है कि एक बर्तन जो है बॉइलिंग वाटर के ऊपर रखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। अब कह रहा है कि इनर सरफेस ऑफ पैन को देखिए तो वहाँ पे क्या होता है। एंड डिड यू, कह रहा है यहाँ पे कि डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। क्या आपको दिखाई दे रहा है ड्रॉपलेट ऑफ वाटर वहाँ पे? अब यहाँ पे फिर जो है एक्टिविटी 6.5 है। ये एक्टिविटी 6.5 क्या कर रहा है? कह रहा है कि यहाँ पे सावधानी बरतना है, कॉशन है, बी केयरफुल, केयरफुल होना है आपको वाइल हैंडलिंग ए फ्लेम। ये जो आग का फ्लेम है इसको हैंडल करने में सावधानी रखना है। क्या कर रहा है कि यूज होल्ड ए यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विथ ए पेयर ऑफ टॉन्ग्स, कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑन द फ्लेम ऑफ ए ग्लास स्टोव एंड वेट फॉर फ्यू मिनट के लिए वेट करना है। कह रहा है कि डज द कलर ऑफ टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। ये जो ब्लेड का कलर है वो क्या चेंज कर रहा है क्या? आगे बता रहा है कि रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। कह रहा है कि ब्लेड को हटा लेना है, रिमूव कर लेना है। किस चीज़ को हटा लेना है? ब्लेड को। कहाँ से? तो फ्लेम जो आग का है वहाँ से हटा लेना है। कह रहा है कि ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। कह रहा है कि टिप को दोबारा देखिए। कह रहा है कि डज इट गेट ब्लैक इट्स ओरिजिनल कलर। कह रहा है कि डज इट गेट बैक, ये क्या आपने ओरिजिनल कलर में आया? इन एक्टिविटीज़ कह रहा है कि 6.1, 6.2 एवब जो दिया गया है, यू सॉ दैट पेपर। ये जो कह रहा है कि 6.1 और 2 में क्या देखें हम लोग, ये यहाँ पे फिगर दिखाया हुआ है, बहुत सारी फिगर हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि एक्टिविटी जो हम लोगों ने किया 6.1 किया और 6.2 जो ऊपर किया है एवब, यू सॉ आपने देखा कि पेपर एंड पीस ऑफ जो चॉक था अंडर वेंट चेंज इन साइज, साइज में चेंज हुआ। इसके अलावा कह रहा है कि इन एक्टिविटीज़, अब ये एक्टिविटीज़ दूसरे के बारे में बता रहा है कि 6.3 किस, कौन सी एक्टिविटी 6.3 और 6.5 कह रहा है कि वाटर चेंज इट्स स्टेट। ये स्टेट जो है क्या स्टेट था? फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड हो गया यहाँ पे, और फ्रॉम गैस टू लिक्विड हो गया। कह रहा है कि एक्टिविटी 6.5 जो है हैक्सॉ ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग, ये कलर जो है उसका चेंज कर गया था। कह रहा है कि प्रॉपर्टीज सच एज सेप जो है, या साइज है, या कलर है, या स्टेट ऑफ सबस्टांस है, आर कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल प्रॉपर्टी कही जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ रही है? कह रहा है कि प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ये शेप हो गया, या साइज हो गया, या कलर हो गया, या स्टेट ऑफ सबस्टांसेस ये हो गए, इसको कहते हैं कॉल्ड, क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। कह रहा है कि ए चेंज इन विच ए सबस्टांस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। यहाँ देखना है हम लोग को, एक बार दोबारा हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि फिजिकल चेंज किसको कहते हैं, फिजिकल चेंज किसको कहता है? यहाँ से हम लोग देखते हैं, ए चेंज इन विच एनी सबस्टांस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है तो इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको फिजिकल चेंज हम लोग कहते हैं। कह रहा है कि ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। कह रहा है कि जो फिजिकल चेंज होता है उसको रिवर्स किया जा सकता है, ये
रिवर्सेबल होता है। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इसको जानने के लिए। क्या करेगी फिजिकल चेंज में, इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो हम लोग याद कर लेंगे कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस कोई नहीं बनता है। अब हम लोग जो हैं, लेट अस कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंजेस। अब अदर काइंड ऑफ चेंजेस को देखते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं केमिकल चेंजेस को देख रहे हैं। 6.2 है ये केमिकल चेंजेस। यहाँ कह रहा है कि ये चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। जो जंग लग जाता है आयरन के ऊपर उसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। कह रहा है कि इसके बारे में हम लोग फैमिलियर होंगे। कह रहा है कि इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम। कह रहा है कि अगर आयरन को आप अगर लेंगे, किस चीज़ को, आयरन को अगर आप लेंगे और जो है इसको ओपन फॉर सम टाइम अगर इसको आप छोड़ देंगे तो इट रिक्वायर ए फिल्म ऑफ ब्राउनी सब्सटेंस। इसमें एक ब्राउनी सब्सटेंस ये आ जाता है, लग जाता है। कह रहा है कि दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, इसको रस्ट कहते हैं। और कह रहा है कि एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। ये 6.2 में यहाँ पे दिखाया हुआ है फिगर में। कह रहा है कि आयरन गेट्स ऑफ स्पार्क और फॉर्म लैंड्स आयरन बेंचेस केप्ट इन ए लॉन्स एंड गार्डन ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेस्ट रस्ट रस्टेड। कह रहा है कि जो भी आयरन है उसको अगर ओपन हम लोग रखते हैं तो क्या होता है, रस्टेड हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है। कह रहा है कि एट होम घर में यू मस्ट हैव सीन, आप ज़रूर देखे होंगे शॉवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द आगे हम लोग देख रहे हैं एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम। कह रहा है कि घर में जो कुदाल वगैरह रखा जाता है वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में रखा जाता है तो आफ्टर सम टाइम जो है उसमें रस्ट लग जाता है। कह रहा है कि इन द किचन, किचन में हम लोग देखते हैं वेट आयरन पैन। कह रहा है कि तवा जो होता है, तवा ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। कह रहा है कि तवा को जो है, घर में जो तवा होता है, तवा इसको क्या बोलते हैं, आयरन पैन, ये जनरली जो है रस्टेड हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है सम टाइम के लिए अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो। कह रहा है कि रस्ट इज़ नॉट आयरन, जो रस्ट होता है वो आयरन नहीं होता है। इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपोजिटेड, ये आयरन से अलग होता है। कह रहा है कि लेट अस कंसीडर ए फ्यू मोर चेंजेस। अब हम लोग मोर चेंजेस के बारे में देखते हैं। वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है। 6.6 एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी 6.6 ये हम लोग देख रहे हैं। कॉशन, इसमें क्या प्रिकॉशन लेंगे, टू बी डेमोंस्ट्रेटेड बाई द टीचर, ये टीचर आपको करके दिखाएंगे। कह रहा है इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर ए लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। कह रहा है कि ये डेंजरस है लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, जो जलता है। कह रहा है द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रेन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन को उसको नहीं देखना है बराबर लगातार। कर रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम है, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन बर्निंग, ये मैग्नीशियम रिबन जो है ये जल रहा है, इसके बारे में ये यहाँ पे दिखाया हुआ इस डायग्राम में कि मैग्नीशियम रिबन जो है कैसे जल रहा है।
कह रहे हैं कि गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थीन स्ट्रिप, थीन स्ट्रिप लेना है, पतला सा स्ट्रिप लेना है, और क्या है हम लोग रिबन ऑफ मैग्नीशियम ले सकते हैं, रिबन लेंगे या थीन स्ट्रिप ले लेंगे मैग्नीशियम का। कह रहा है कि क्लीन इट्स टीथ विद द सैंड पेपर, इसको जो है सैंड पेपर से साफ कर लेना है। कह रहा है कि ब्रिंग द टीप नियर द कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम के पास इसको ले जाना है। इट बर्न विथ ए ब्रिलियंट वाइट, ये ब्रिलियंट वाइट जो है, ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ ये चलता है, ये दिखाया हुआ है। कहाँ दिखाया हुआ है? फिगर 6.3 पे दिखाया हुआ है। कह रहा है कि व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न इट लीव बिहाइंड ए पाउडरी एश, अगर ये मैग्नीशियम पूरा जल जाता है तो पाउडर जैसा राख मिलता है हमें, एश। कह रहा है कि डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिवर, कह रहा है कि जो मैग्नीशियम जल गया उसका जो एश है, राख है, वो क्या मैग्नीशियम रिबन के जैसा है? कह रहा है यहाँ पे द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन, ये जो चेंज हुआ है उसको हम लोग इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या इक्वेशन? ये मैग्नीशियम लिखा Mg और प्लस का साइन दिया और ऑक्सीजन, और इसका साइन हम लोग O2 ये लिख सकते हैं। ये बनाता है एरो, मतलब ये बनाता है, क्या बनाया ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO लिखते हैं हम लोग इसको, केमिस्ट्री की भाषा में MgO लिखते हैं। आगे यहाँ पे बता रहा है कि द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से ये अलग है इक्वेशन। कह रहा है कि इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। यहाँ बता रहा है कि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि कलेक्ट, कलेक्ट करना है द एस, एस को कलेक्ट करना है, एंड मिक्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर के साथ इसको मिलाना है, वाटर के साथ मिलाना है, और स्टायर, कह रहा है कि इसको हिलाना है, द मिक्सचर एक्वस सॉल्यूशन जो है पानी का, वेल, कह रहा है कि टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, कह रहा है कि ब्लू ऑन रेड लिटमस पेपर के साथ आप मिक्स कीजिए। कह रहा है कि डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, कह रहा है यहाँ पे कि रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जा रहा है क्या? डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को वो रेड कर दे रहा है। कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, कह रहा है कि इस टेस्ट के बेसिस पे हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन, ये एसिडिक है या फिर ये बेसिक है? आगे हम लोग यहाँ पे आगे देख रहे हैं, कह रहा है कि ऑन डिजॉल्विंग द एस इन वाटर, जब एस को हम लोग वाटर में डालेंगे, इट फॉर्म ए न्यू सबस्टांस, एक न्यू सबस्टांस बनता है। कह रहा है कि दिस चेंज कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, इसको हम लोग फॉलोइंग इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कह रहा है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO लिखेंगे, इसके बाद प्लस जो है वाटर लिखेंगे, ये H2O, और एरो का साइन देंगे, यानी कि बनाता है, ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, MgOH2 इसको लिखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एस यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन द चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये एक बेस होता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम से बनता है। कह रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या है? अनदर न्यू सबस्टांस है फॉर्म बाय द मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर।
तो ये चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग एक्टिविटी 6.7 देखेंगे, फिर एक्टिविटी जो है 6.8 हम लोग देखेंगे, और इस तरह से चैप्टर की हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। यहाँ पे एक देख रहे हैं हम लोग कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग देख रहे हैं, ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ए केमिकल चेंजेस इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल चेंज यहाँ पे बताया है, क्या है केमिकल चेंज, कह रहा है कि ए चेंज, ऐसा चेंज इन विच, क्या होता है, वन और मोर न्यू सब्सटेंस बनता है, आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं केमिकल चेंज में, केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, केमिकल चेंज में कह रहा है कि वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो केमिकल चेंज में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस कहाँ बनेगा, केमिकल चेंज में बनेगा। कह रहा है कि ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, इसको केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसमें देखा फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों और इसको क्लासिफाई करेंगे नेक्स्ट के बारे में जो दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं।